अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कतलियाँ। आपने पहले भी एक वीडियो देखी होगी, ये आलू की कतलियाँ बनाने का दूसरा तरीका है और नस्बतन आसान भी। इसके लिए पहले ऑयल लें पैन में, गर्म हो जाने पर उसमें आलू की कतलियाँ डाल दें, चम्मच से हिला लें ताकि वो पैंदे के साथ चिपके नहीं। थोड़ा फ्राई होने पर जब आलू की कतलियाँ एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो इसमें हरी प्याज और टमाटर डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें ज़ीरा, पिसा धनिया, हल्दी, सुर्ख मिर्च ऐड कर दें। फिर से मिक्स कर लें। इसमें नमक शामिल कर दें हस्बे ज़ायका। थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। पानी की मिकदार कम ही रखनी है वरना आलू घुट जाएंगे। दोबारा से तमाम अज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी की मिकदार कम ही रखनी है, इस बात का ख्याल रहे। बॉईल आने का इंतज़ार करें और इसे ढांप दें। यह हमने कसूरी मेथी पानी में भिगो के रखी हुई है। कुछ देर भीगने के बाद हम इसे भी आलू की कतलियों में शामिल कर देंगे। इससे ना सिर्फ आलू की कतलियों का ज़ायका दोबाला हो जाता है बल्कि इसकी खुशबू भी बड़ी इश्तहा अंगेज़ होती है। कसूरी मेथी और धनिया वगैरह को भिगोने का एक मकसद ये भी होता है कि मिट्टी तह में बैठ जाए और ऊपर से आप पत्ते निकाल के सब्ज़ी में या सैलड में डाल दें। कसूरी मेथी या तो शुरू में ही डाल दें या फिर जब आलू आधे गल जाएँ तब शामिल करें। फिर उसके बाद इसको ढाँप दें। बकिया मांदा आलू गल जाएँ और कसूरी मेथी भी उसमें अच्छी तरह से घुल जाए तो फिर आपके आलू की कतलियाँ तैयार हैं। ख्याल रही कि दम पे रखे हुए आलूओं में चम्मच नहीं चलाना वरना कतलियाँ टूट जाने का अंदेशा रहेगा। उम्मीद है आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करेंगे और यकीनन आपको पसंद भी आएगी। जब भी आप ट्राई करें प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मुझे खुशी होगी। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। आपके लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।